हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं आपको ट्राउज़र की कटिंग और स्टिचिंग दोनों बताऊंगी। तो ट्राउज़र को ट्राउज़र के ऊपर रखकर किस तरीके से कटिंग करते हैं, तो प्लीज़ वीडियो को स्किप मत करना, वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए। ये मैंने 4 फोल्ड किया है, 1 2 3 4, ये मैंने 4 तरह में कपड़े को फोल्ड किया है। और इस साइड से देखिए, मैंने इस तरीके से फोल्ड किया है। तो ये मैंने इसके ऊपर ट्राउज़र को रख लिया है, जिस ट्राउज़र का हम नाप लेंगे। तो पहले हम ऊपर की साइड यहाँ पर 2 इंच का नेफे का निशान लगा लेंगे। यहाँ पर देखिए, मैंने 2 इंच नेफे का निशान लगाया जो हमारा लास्टिक में फोल्ड हो जाएगा। तो इस तरीके से हम देखिए, जो हमारा सिलाया ट्राउज़र उसको इस तरीके से हम रख लेंगे। रखने के बाद हम यहाँ से इसकी लास्टिक को चौड़ा कर इसकी बेल्ट का नाप लेंगे। तो इसकी जो मैंने बेल्ट का नाप लिया है, यहाँ पर हमें जो बेल्ट का नाप है वो लगाना है, यानी बेल्ट का नाप जो है वो 17 इंच है। तो 17 इंच पर हम इस तरीके से मार्क लगा लेंगे और ऊपर इस तरीके से हम 2 इंच का जो हमने निशान लगाया नेफे का, उस निशान को भी हम पूरा कर लेंगे। देखिए, हमने ये निशान लगा लिया है। उसके बाद हम यहाँ से इसका आसन नापेंगे। तो फ्रेंड्स देखिए, इसका जो आसन की लेंथ है वो है 16 इंच। ये हैवी साइज़ का ट्राउज़र है। तो देखिए, यहाँ पर मैंने 16 इंच पे एक निशान लगा लिया है। तो फ्रेंड्स, बहुत ही ईजी है, आप ट्राउज़र का नाप लेकर बहुत ही आसान तरीके से ट्राउज़र कटिंग कर सकते हो। अब ट्राउज़र को हम इस तरीके से ओपन कर लेंगे। ओपन करने के बाद हमें इसके फिटिंग के निशान लगाने हैं। तो यहाँ पर देखिए, मैंने साइड में जो ये कपड़ा छोड़ा है, यहाँ पर इसलिए छोड़ा है, यहाँ पर मैं सिलाई लगाऊंगी, इसलिए मैंने यहाँ पर 1/2 इंच करीब कपड़ा छोड़ा है। फिटिंग के निशान हम यहाँ पर लगा लेंगे। तो फ्रेंड्स देखिए, लेंथ में इसका कपड़ा कम है ट्राउज़र का, तो मैं इसमें नीचे डिज़ाइन लगा दूंगी। तो देखिए, इस तरीके से हम इसको फोल्ड कर लेंगे और यहाँ पर इसकी जो बिल्कुल फिटिंग है बिल्कुल बराबर है। अब यहाँ पर हम एक्स्ट्रा निशान लगाएंगे। ये देखिए, हम इसके मार्जिन के यहाँ पर निशान लगा लेंगे। तो फ्रेंड्स, मैं बहुत ही इजी तरीका आपको समझा रही हूँ। आप ट्राउज़र को इस तरीके से नाप के निशान लगाकर कटिंग कर सकते हो। और यहाँ पर हम 1/2 इंच का ही निशान लगाएंगे एक्स्ट्रा। यहाँ पर हमारी इसकी आसन रहेगा, यानी कि रुमाली रहेगी, मियानी जो बोलते हैं। तो फ्रेंड्स, इसकी जो बॉटम है वो भी मैं डिज़ाइन की बनाऊंगी, तो प्लीज़ वीडियो को स्किप मत करना, वीडियो को पूरा ज़रूर देखना। तो ये देखिए, हम बाहर वाले निशान पर इसकी कटिंग कर देंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आप सिलाई से रिलेटेड वीडियो चाहते हो तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताना, नेक्स्ट वीडियो बनाकर मैं उसी की अपलोड कर दूँगी। तो ये देखिए, हमारी कटिंग हो चुकी है। अब हम आपको इसकी मियानी भी काट कर बताएंगे। देखिए, ट्राउज़र की कटिंग करना कितना ईजी है। यहाँ पर हम एक कट लगा रहे हैं, यहाँ से हमें इसकी मियानी जो लगानी है इसलिए। तो फ्रेंड्स देखिए, ट्राउज़र हमारा कट गया है। अब हम आपको मियानी काट के बताएंगे। ये मैंने कपड़ा लिया है, इसको मैंने इस तरीके से फोल्ड किया है। देखिए, मैंने 4 तरह में इसको कपड़े को फोल्ड कर लिया है और अपनी तरफ मैंने कपड़े को बंद रखा है। 3 इंच मैंने इसकी चौड़ाई ली है और ओपन साइड है वो आगे की तरफ रखा है। और यहाँ पर मैंने 7 इंच इसकी लेंथ ली है। इस तरीके से हम इसके निशान लगा लेंगे। ये निशान हमारे लग चुके हैं, अब इस पर हम कटिंग कर देंगे। तो फ्रेंड्स, बहुत ही इजी तरीका मैंने आपको बताया है। तो फ्रेंड्स देखिए, कटिंग हमारी हो चुकी है। अब पहले हम ट्राउज़र का बॉटम बनाएंगे डिज़ाइन का, उसके बाद मैं आपको ट्राउज़र की सिलाई भी बताऊंगी। तो प्लीज़ वीडियो को स्किप मत करना, वीडियो का पूरा ज़रूर देखना। आइए शुरुआत करते हैं। तो 19 इंच मैंने इसकी लेंथ ली और 6.5 इंच मैंने इसकी चौड़ाई ली। इसको मैंने डबल फोल्ड करके इसके बीच में एक हम सीधी लाइन बना लेंगे। ये लाइन बनाएंगे तो हमारे जो कंगूरे हैं वो छोटे बड़े नहीं होंगे। तो यहाँ पर हम एक डिब्बी की मदद से यहाँ पर कंगूरे बनाएंगे। तो देखिए, हम इस तरीके से इसके कंगूरे बना रहे हैं। इसी तरीके से हम देखेंगे सारा बना लेंगे। ये देखिए, हमारे सारे कंगूरे बन चुके हैं। अब इसकी हमने कटिंग कर दी है। तो ये देखिए, मैंने परेस की मदद से इसे कपड़े पे जॉइंट कर लिया है और नीचे की साइड में यहाँ पर इसमें एक पैर की सिलाई लगा रही हूँ। तो देखिए, ये सिलाई हमारी लग चुकी है। तो फ्रेंड्स, बहुत ही ईजी डिज़ाइन मैं बताऊँगी। इसको हम इस तरीके से एक बार और फोल्ड कर लेंगे और ये जो हमने कंगूरे ऊपर की तरफ बनाए हैं इसके बराबर बराबर इसको हमें सिलाई लगानी है। ना ही इसके ऊपर लगानी बुकरम के, ना ही इससे दूर लगानी, बिल्कुल बराबर में हमें ये सिलाई लगानी है। तो ये देखिए, हम इस तरीके से इसकी सारी सिलाई को लगा लेंगे। पूरे कंगूरों पर हमारी सिलाइयाँ लग चुकी हैं। तो सिलाई लगने के बाद हम इसकी अब कटिंग करेंगे। तो फ्रेंड्स, वीडियो को स्किप मत करना। ये देखिए, हमारी सिलाई पूरी लग चुकी है। बीच में हम इसके कट लगाएंगे। सिलाई नहीं कटनी चाहिए, सिलाई तक ही हमें कट लगाने हैं, तभी आपके परफेक्ट कंगूरे पलट पाएंगे। देखिए, हमारे सारे कंगूरे की सिलाइयाँ पलट चुकी हैं। मैंने ये 1.5 से 2 इंच की एक पट्टी ली है, इसको 4 फोल्ड किया है और इसमें मैं बीच में एक सिलाई लगा रही हूँ। इस तरीके से यहाँ पर हम सिलाई लगा लेंगे। तो ये देखिए, हमारी पट्टियाँ तैयार हुई हैं। ये मैंने पट्टियाँ देखिए, 2 इंच का मैंने ये पेपर लिया है और पेपर में मैंने ये पट्टी लगानी है। पट्टी को मैंने 2.5 इंच की कट की है। इस तरीके से देखिए, मैं ये सारी पट्टियों को लगा लूँगी। पेपर के बीच में ही हमें सिलाई लगानी है। तो बहुत ही सिंपल और आसान तरीका है
देखिए हम एक पट्टी को उठाएंगे और एक पट्टी को इधर साइड, एक पट्टी को उधर साइड, इस तरीके से सिलाई से जोड़ करेंगे। तो ये देखिए पहले हम एक साइड की जॉइंट करते हैं, एक पट्टी हम हटाते रहेंगे और एक पट्टी पर सिलाई लगाएंगे, एक हटा देंगे एक पर सिलाई लगाएंगे। इस तरीके से हमें ये पूरी पट्टी को तैयार करना है। फ्रेंड्स ये बहुत ही इजी तरीका है और ट्राउज़र का डिज़ाइन बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। आप चाहो तो ये बाजू पर भी डिज़ाइन बना सकते हो। एक साइड की हमारी सिलाई लग चुकी है, ये अब देखिए हम दूसरी साइड में जो हमने एक एक पट्टी छोड़ी थी वो हम दूसरी साइड इस तरीके से लगा लेंगे। इसी तरीके से हम सारी पट्टियों को सिलाई से जॉइंट कर लेंगे। देखिए हम इस तरीके से पट्टियों को लगा रहे हैं। फ्रेंड्स बहुत ही इजी तरीका है और बहुत ही खूबसूरत लग रहा है डिज़ाइन तैयार होने के बाद। ये देखिए हमारी पट्टी लग चुकी है और एक्स्ट्रा पट्टी की हम कटिंग कर देंगे। हमें ये पट्टियाँ बिल्कुल पेपर के बराबर तक ही रखनी है। ये देखिए पट्टी हमारी बन गई है। उसके बाद हम इस तरीके से जो हमने कंगूरे वाले तैयार किया था डिज़ाइन, इसमें हम लगाएंगे। ये डिज़ाइन हम उल्टी साइड तरफ रख कर लगा रहे हैं, जो सीधी तरफ ये फोल्ड हो जाएगा। देखिए मैंने इसको अब सीधी तरफ फोल्ड कर दिया है। तो यहाँ पर हम इसके लब की सिलाई से इसको जॉइंट कर लेंगे इस तरीके से। तो देखिए फ्रेंड्स ये देखिए मैंने लब की सिलाई से इसको जॉइंट कर लिया है। ये देखिए हमारी ये पट्टी तैयार है। अब हम इसको ट्राउज़र पर लगाएंगे। ये देखिए मैंने पट्टी को सीधा रखा है, ट्राउज़र को इसके ऊपर रखकर पलट लिया है। या फिर आप पहले नीचे ट्राउज़र रख के ऊपर उसके पट्टी उल्टी करके रख सकते हो। यहाँ पर हम इसको सिलाई से जॉइंट कर रहे हैं। फ्रेंड बहुत ही इजी तरीका है और बहुत जल्दी बनकर तैयार हो जाएगा। तो फ्रेंड्स अगर आप सिलाई से रिलेटेड वीडियो चाहते हो तो कमेंट में ज़रूर बताना। यहाँ पर हम पलट कर इसमें एक पैर की सिलाई लगाएंगे। पहले हम लब की सिलाई लगा रहे हैं, उसके बाद हम एक पैर की सिलाई लगा लेंगे। तो फ्रेंड्स देखिए हमारे ट्राउज़र यहाँ तक तैयार हैं। अब हम इस पर गोटा लगाएंगे। तो ये देखिए पहले मैं ऊपर की साइड को ये गोटा लगा रही हूँ और देखिए फिर मैं नीचे साइड भी इसमें गोटा ही लगाऊंगी। तो फ्रेंड्स मैं बहुत ही इजी तरीका आपको बता रही हूँ। तो देखिए मैं नीचे साइड भी ये गोटा लगाऊंगी। पहले मैंने ऊपर साइड गोटा लगा लिया है, दोनों साइड हमारे ये गोटा लग चुका है, यानी कि हमने जो इसका पेपर निकाल दिया है। और आइए अब मैं आपको ट्राउज़र की स्टिचिंग बताती हूँ, बहुत ही इजी तरीके बताऊँगी। तो ये मैंने कट जो लगाया था आसन का, वहाँ से मैं इस आसन रुमाली को लगा रही हूँ, यानी कि मैं मियानी लगा रही हूँ। मैं बहुत ही इजी तरीका आपको बताऊँगी, स्टेप बाय स्टेप मैं आपको समझाऊँगी। तो ये देखिए मैं इसको पलटकर सिलाई लगा रही हूँ। तो फ्रेंड्स देखिए हमने पलटकर सिलाई लगा लिया और इसी पर्त में हमें दूसरी साइड यहाँ से मियानी लगानी है। जहाँ पर हमने मियानी का कट लगाया था वहीं से हमें ये दूसरी मियानी लगानी है। तो इस तरीके से देखिए हम यहाँ पर सिलाई लगा लेंगे। तो यहाँ पर मैंने ये सिलाई लगा ली है और उसको फिर मैं पलटकर सिलाई लगा लूँगी। तो फ्रेंड्स देखिए हमने ये पलटकर सिलाई लगा ली है, इसमें भी दोनों साइड की हमारी मियानी लग गई हैं। अब ये देखिए मैं ऊपर साइड से इसकी सिलाई करके ला रही हूँ, यानी मियानी की साइड ही मैं दूसरा पर्त जॉइंट कर रही हूँ। ये देखिए यहाँ पर मियानी आ गई नीचे साइड में, इस पर्त को हम इस तरीके से पकड़ लेंगे। तो ये देखिए हमने नीचे तक इसकी सिलाई लगा ली है और अब हम इसमें इस तरीके से इसी तरीके से हमें दूसरी साइड भी लगाना है। ये देखिए हमारी मियानी साइड तरीके से लग गई है और इसी तरीके से हम यहाँ पर भी लगाएंगे और फिर हम दोनों साइड में इसको पलट कर सिलाई लगा लेंगे। तो ये देखिए दोनों पर्त मैंने ले ली है, ये मियानी है जो मैंने एक हिस्से में पहले लगाई थी। फ्रेंड्स मैं आपको बहुत ही इजी तरीका बता रही हूँ, अगर आपको फिर भी समझ में नहीं आए तो प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताना कि आपको कहाँ से वीडियो मेरी समझ में नहीं आई है। तो ये देखिए हम इस तरीके से मियानी वाला जो हिस्सा है वो भी हमने लगा लिया है, पूरा हो गया है हमारा। तो फ्रेंड्स देखिए मियानी हमारी दोनों साइड से लग गई है, ये देखिए। अब हम इस पर पलटकर सिलाई लगा लेंगे। पलटकर सिलाई मैंने लगा ली है और इसको मैंने नेफे को फोल्ड करके यहाँ पर मैं लब की सिलाई लगा रही हूँ। तो फ्रेंड्स देखिए मैंने यहाँ पर लब की सिलाई से नेफे को तैयार किया है। तो बहुत ही इजी तरीका है, अगर आप इस तरीके से ट्राउज़र की कटिंग और सिलाई करोगे तो बहुत ही जल्दी ये ट्राउज़र बनकर आपका तैयार हो जाएगा। तो फ्रेंड्स देखिए हमारा ऊपर साइड का नेफा भी फोल्ड हो चुका है, अब हम ट्राउज़र की लगाएंगे फिटिंग। तो फ्रेंड्स वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना। मैंने आपको वीडियो की कटिंग स्टिचिंग दोनों बताई है और मोहरी भी मैंने इसमें डिज़ाइन की बनाई है। और नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए बहुत जल्द लेकर आऊँगी। तो फ्रेंड्स मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब।